आज से 7.62 नहीं बोलते, आप लोग 7.62 की सात गोलियां, दशमलव मतलब एम चार दशमलव सौ सोलह बासठ भी हो गई है, की 56 की गोलियां हो गई हैं। तो वट यहीं पे ओवेस ने पहला नॉक दे दिया, हाइप के एसका को कंप्लीट कर दिया। ओवेस थोड़ा ऑफ पोजीशन में थे, थोड़ा टीम से दूर थे और अच्छा फायदा भी उठाया। हाइप के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा बिकॉज दे हैव टू क्लाइम बैक। स्काउट ने यहाँ पे सोनिक को भी नॉकआउट कर दिया है एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर देम बिकॉज एक प्लेयर ऑलरेडी खो चुके हैं इसका को, उसके बाद सोनिक भी नॉकआउट है। इट्स अ 2v4 सिचुएशन और जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे रौनक ने क्या शॉट कनेक्ट किया यहाँ पर, फॉक्सर को भी नॉकआउट कर दिया। इट्स अ 1v4 सिचुएशन, अकेले हाइप के एक प्लेयर बचे हैं, क्या वो अपनी टीम के लिए कुछ कर पाएंगे? महेश पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। सोच के थे कि चार फनेटिक के प्लेयर भूखे शेर की तरफ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। महेश फनेटिक की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से एक पहली ऐसी फाइट लेके जहाँ पे कॉन्फिडेंटली ये लोग क्लोज एनकाउंटर में पुश कर रहे हैं एज अ टीम। बिकॉज अगर ओके यहाँ पे एश नॉक डाउन होते हैं बट पीछे no, से no. कोई कवर फायर नहीं है, एश को फिनिश करा बट पीछे से कवर फायर आया थोड़ा सा लेट, वहां पे रौनक ने उसको फिनिश करा। आखिरी प्लेयर कोई फर्स्ट एड नहीं है या तो कोई भी हीलिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे उनके पास नहीं है। टेम्पेस्ट उन लोगों को उनको यहाँ पे कॉल बैक करना पड़ेगा। बट स्काउट नॉक डाउन होते हुए जेनोसाइड की डीडी ने उन्हें नॉक करा एंड एश गिवन ने फिनिश करा। यहाँ पे फनाटिक वापस से टू मैन स्क्वाड आते हुए, यहाँ पे टेम्पेस्ट 1 HP बचे थे, यस वहाँ पे नॉक डाउन करा डैंगी ओपी ने एंड टेम्पेस्ट भी वहाँ पे एक प्लेयर नॉक डाउन कर चुके थे। बट पूरा इनसेन का स्क्वाड यहाँ पे इसी के साथ एलिमिनेट होता हुआ, सिर्फ एक ट्रेड वहाँ पे वो लोग ले पाए। उनको पता है कि वो ऊपर आएंगे उस वक्त फायदा उठा सकते हैं। मुइज अभी लास्ट गेम में नहीं खेले थे, वो इस गेम के अंदर वापस आए एंड यस दे आर गिविंग अ टफ टाइम। आदित्य ने यहाँ पे दो प्ले नॉकआउट कर दिया, आदित्य और मुइज ने मिलकर यहाँ पे बादशाह और एक और प्ले नॉकआउट किया। अब करण और यहाँ पे गुरकरण, ओके देन धीरे धीरे कोशिश करेंगे एस्टेक के जो सेटन है उन पे थोड़ा चार्जिंग कर पाए। बट जस्ट उनके पीछे लाइफक्राफ्ट की टीम भी आ रही है और लाइफक्राफ्ट के पास अच्छे खासे प्लेयर हैं जो जिंदा हैं और वो गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी हमारे पास तीन टीम्स हैं और वहीं पे आदित्य ने यहाँ पे करण को नॉकआउट कर दिया और आरआईपी का जो क्लैन है, जो सपने थे, वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर वो इस गेम से बाहर हो चुके हैं एक किल के साथ, बट उन्होंने नॉक काफी अच्छे करे थे। स्ट्राइकर ने यहाँ पर सेटन का मेघा से किल कंफर्म कर लिया और वहीं पे किंजू भागते हुए दिखे। यहाँ पे क्या स्प्रे कनेक्ट होता है, रौनक कोशिश करेंगे और रौनक ने यहाँ पे किंजू को नॉकआउट कर दिया और जो पावर गेमिंग के प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन रहेगी। किंजू की किल कंफर्म करी ओवेस ने और यहाँ पर जो नेक्सस ओपी है हमारे -40 के, वो भी काफी मुश्किल में देख रहे हैं। मैट जो -40 के रूथलेस हैं वो गेम से बाहर हो चुके हैं और अकेले लाइफक्राफ्ट टीम है जिनके चारों प्लेयर जिंदा है। प्ले जोन का शिकार बनते हैं इनिशिएटिव ईस्पोर्ट के आदित्य और पावर गेम के मोगेम्बो भी प्ले जोन से नॉकआउट हो जाते हैं। बैक टू बैक प्ले जोन बहुत सारे प्लेयर को अपने चपेट में ले चुका है और उनको पछताने में मजबूर कर रहा है कि अर्ली रोटेशन क्यों नहीं करी और आखिरी का वेट क्यों किया। स्मोकी ने राइवल को पिक ऑफ किया, क्रूसिफर भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। इनिशिएटिव ईस्पोर्ट काफी ज्यादा खतरे में है, अकेला एक प्लेयर है जो अपने वहाँ पे लाइफ के प्लेयर्स हैं। देखिए कैन सी इसी चीज की मैं बात कर रहा था, आपको बहुत सारे प्रोन प्लेयर्स आपको मिलते हैं जोन के बाहर एंड M416 का 66 से उन्होंने वहां पे सोनिक को नॉक एंड फिनिश करा एट द सेम टाइम। अक्षय वहां पे प्ले जोन से मरते हुए एंड बाकी फनाटिक का स्क्वाड दो प्लेयर बचे हुए हैं ओवेस एंड रौनक, बाकी यहाँ पे रिवेंज का भी स्क्वाड यहाँ पे पूरा ही पूरा फिनिश होता हुआ एंड सिर्फ 6 प्लेयर्स बचे हुए फाइनल सर्कल में। 11 प्लेयर्स आर अलाइव और 6 टीमें पूरी पूरी बची हुई हैं। एग्जैक्टली फनाटिक पूरी कोशिश कर रही है कि दो प्लेयर के साथ भी काफी आगे तक बढ़े, बट एस्टेक स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। -40 कहाँ पे सफर खत्म होता है इस मैप में, 6th पोजीशन पे निकलते हैं। 3 किल्स थे उनके पास, उन्होंने भी काफी सारे पॉइंट्स कलेक्ट करे इस गेम के अंदर, बट उनके पास इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज उन्होंने पहले भी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। बट ये स्कैम चार्ली का जो सर्कल है काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा बिकॉज इतने सारे घर हैं यहाँ पे फाइनली सकते, बट वहाँ पे एक और प्लेयर है जो उनकी ट्रिक को जानता है, वो तरीका जानता है कि शायद से ऐसा कुछ करने को मिलेगा, देखने को मिल सकता है, वो बिल्कुल तैयार है। बट रेवन काफी ज्यादा ब्लू जोन का डैमेज देते आ रहे हैं और यहाँ पे अपनी किल दे बैठेंगे। क्लाउड आई इंस्टेंटली अपनी किल कंफर्म भी करेंगे। रौनक ने वहाँ पे नॉकडाउन करा है लाइफक्राफ्ट के नूप आईटी को एंड क्लाउनी ने यहाँ पे फिनिश करा स्ट्राइकर को। बट ये वाला गेम सेट एंड मैच है लाइफक्राफ्ट के लिए, बट उनका एक प्लेयर नॉकडाउन है। देखते हैं ओवेस या रौनक क्या अपनी टीम के लिए निकाल पाएंगे वाला मैच, बट अभी भी ऊपर एक प्लेयर जिंदा है टीम तमिलास का। बाकी देखते हैं टीम तमिलास का प्लेयर एक बार हील बैटल कर रहा है प्लेयर, बट फनाटिक और रौनक एंड ओवेस वो लोग चार्ज इन कर रहे हैं एंड सामने से फुटस्टेप्स आए हैं यहाँ पे बिग चिल को, मतलब देखते हैं उस वाले कंपाउंड में एक तो अश्योरेंस मिल चुके हैं बट वहाँ पे टीम तमिलास का प्लेयर फिनिश हो चुका है। दिस विल बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन फनाटिक एंड टीम लाइफक्राफ्ट। यहाँ पे बिग चिल नॉकडाउन होते हुए रौनक का ओवेस का यहाँ पे बहुत प्यारा स्प्रे एंड ओवेस ने फिनिश भी करा बिग चिल को। सो दिस विल बी 2v2 सिचुएशन जहाँ पे क्लाउनी एंड विलन बचे हुए एक ग्रेनेड पुल करने की कोशिश, उनको पता है सामने एक कंपाउंड है वहां पे ओके थोड़ा सा नीचे रह गया, अगर वहां पे अंदर जाता ग्रेनेड तो रौनक नॉकडाउन होते हुए नजर आते, बट नू वाइटी यहाँ पे ब्लीड आउट होंगे जल्दी। बट 2v2 सिचुएशन, क्या क्लाउनी और विलन अपनी टीम के लिए वाली फाइट निकाल पाएंगे? रौनक अभी भी वहां पे टीपीपी ले रहे हैं, हार्ड टीपीपी ले रहे हैं, विलन यहाँ पे अंदर है, क्लाउनी आ चुके बाहर, ओवेस चले जा चुके ऊपर, बट अभी रौनक ने बहुत प्यारा नॉकडाउन करा पहले क्लाउनी को। दिस विल बी 1v2 सिचुएशन, बट अभी विलेन क्या 1v2 क्लच कर सकता है? बट वहां पे बाहर जैसे निकले फनाटिक ने वो वाला मैच निकाला, चिकन डिनर, टोटल पॉइंट्स निकाले 31 एंड 11।